साथ में टेंशन लगता है तुम तो इंसर्ट जो अपना काम था वो हो गया एकदम सक्सेसफुल डन अच्छे चीज़ों से हो गया सब। आज का व्लॉग काफ़ी लेट शुरू हो रहा है दोपहर के अराउंड 12:30 को। सो वेलकम टू माय चैनल एवरीवन, आई होप डूइंग ग्रेट। और व्लॉग इसीलिए लेट शुरू हो रहा है बिकॉज सुबह मैं काफ़ी घायल में था, इसलिए मैं फटाफट में व्लॉग शुरू नहीं कर पाया। लेकिन अब क्लास खत्म करके घर पे आके आई एम स्टार्टिंग अ न्यू व्लॉग नाउ। तो मैंने मेरे लास्ट व्लॉग में कहा था कि कल एक चीज़ का आउटकम आने वाला है, तो वो आउटकम फाइनली आ चुका है एंड दैट इज़ परफेक्ट, दैट इज़ डैम परफेक्ट, एक्सपेक्टेड था उससे भी काफ़ी बढ़िया आया है। सो या और वैसे मैंने कल रात में छोटी सी क्लिप शूट की थी मेरे और आशीष के साथ ही, आप लोग इसके बाद वो वाली क्लिप एंजॉय करना, लेकिन हो चुका है फाइनली। आई कैन लाइक लिटरली अज्यूम कि मेरा 2021 का प्लान अब फाइनली एग्जीक्यूट हो जाएगा एकदम इजीली, बिकॉज जो सबसे मुश्किल चीज़ थी वो कंप्लीट हो गई है। सब चलते हैं अंदर बिकॉज सीजन का पहला मैंगो आया है घर पर, आम रस पीते हैं। और वैसे वो गुड न्यूज़ इतनी अच्छी गुड न्यूज़ थी ना कि मैं कल काजू कतली लाया था, पूरा बॉक्स ख़त्म हो गया सुबह तक, इतनी बढ़िया गुड न्यूज़ थी। मैं खुद खा गया, दूसरों को मैंने खिलाया, आशीष को, मम्मी को, फिर सबको खिलाया मैंने। कल गुड न्यूज़ आने के बाद मैं, आशीष और मेरा एक और फ्रेंड गए थे शाम को पार्टी करने के लिए, तो हम लोगों ने पार्टी की बरोबर। और उसके बाद रात को आशीष मेरे घर पर आया और कुछ ऐसा हुआ। तो एक काम करो आप लोग, जरा कल रात वाली छोटी सी क्लिप देखो। या ब्रो, अरे एक साथ क्या, एक साथ, एक साथ पूरा पूरा, अरे खा ले भाई, वापस रिएक्शन देगा नहीं एक्चुअली। कांग्रेचुलेशन भाई, थैंक यू, ऑलरेडी एक बार दे दिया इसने ओरिजिनल वाला रिएक्शन। और हम भी आ रहे साथ में, टेंशन मत लो तुम। तो इंसर्ट जो अपना काम था वो हो गया एकदम सक्सेसफुल डन अच्छे चीज़ों से हो गया सब। हाँ क्या बोल रहा था, खा ले पहले खा ले। तो ऐसा कुछ हुआ था कल रात को, एक्चुअली हमने इतना कुछ खाया था ना, उसके बाद मैं उसको और भी काजू कतली खिला रहा था आशीष को। सो मांड मांड भाई ने दो ख़त्म की है। नो, देयर इज समथिंग आई वांट टू शेयर इज दैट माय लाइफ वाज चेंज्ड लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड इट अगेन चेंज्ड इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी 2021 में ही, और मार्च में तो काफ़ी बड़े चेंजेस हो गए थे बिकॉज आई मीन जस्ट बिकॉज ऑफ माई क्लासेस। और उसके बाद फाइनली अब अप्रैल में माई लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज अगेन इन अ वेरी पॉजिटिव वे। नवंबर से काफ़ी सब पॉजिटिव वे में ही चेंज हो रहा है, लेकिन अब फाइनली अप्रैल से और भी पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में, जो काफ़ी लाइक बेनिफिशियल होने वाले स्पेशली मेरे लिए ही। एंड एज आई सेड माई लास्ट, आई मीन मेरे पुराने लॉस में मैंने कहा है कि लाइक दिस वॉज माई ड्रीम एंड आई एम लिविंग माई ड्रीम राइट नाउ। सो या ऐसे कुछ अभी चल रहा है। और अभी दोपहर कुछ इट्स अराउंड 2:30 PM, सोच रहा हूँ कोई मूवी देखूँ, उसके बाद शाम को जाना है क्लास पे अराउंड 5 बजे मामा को लेकर, बिकॉज समथिंग पर्सनल काम है आज क्लास पे इसीलिए। सो या दैट्स इट, मैं कोई मूवी देखते शांति से बैठ के, देखते ही देखते पता भी नहीं चला। और फियर द वॉकिंग डेड की सीजन 6 भी आ गई अमेजन प्राइम के ऊपर। आई स्टिल रिमेंबर कि मैंने लॉकडाउन के टाइम पे 6 से 7 महीने पहले मैंने देखा था सीजन 5 फियर द वॉकिंग डेड, जो अवेलेबल है अमेजन प्राइम के ऊपर, और उसकी अभी 2021 में सीजन 6 भी आ गई। तो ये है वो फियर द वॉकिंग डेड सीजन 6 2021। आई वाज लाइक जस्ट एक्सप्लोरिंग द अमेजन प्राइम और मैंने देखा कि फियर द वॉकिंग डेड, लेट्स सी के आया है कि नहीं, देखा तो आ चुका है। तो यह अब जरा शांति से एंजॉय करते हैं फियर द वॉकिंग डेड सीजन 6, लेकिन सिर्फ 7 ही एपिसोड से, बट कोई नहीं। मुझे घर से निकलने के बाद अभी अभी जस्ट याद आया कि मुझे व्लॉग भी करना है, बिकॉज पता नहीं दिमाग में से निकल गया आज तो। सो या मैं और मामा जा रहे हैं अभी मेरे क्लास पे, जैसे कि मैंने कहा था मेरे व्लॉग की शुरुआत में, थोड़ी देर मिलके मैं शायद से रुकूंगा क्लास पे, एंड देन आई हैव कंप्लीटेड 2 एपिसोड्स ऑफ फियर द वॉकिंग डेड। एंड यू नो दैट सीरीज इज रियली डैम अमेजिंग, एकदम थ्रिलिंग वाली पूरी सीरीज है वो। सो या और शायद से कल तक पूरी सीरीज भी खत्म हो जाएगी, बिकॉज सिर्फ 7 एपिसोड है तो मैंने खत्म कर दी है, ओनली 5 एपिसोड्स आर रिमेनिंग। आई थिंक आई एम गोना जस्ट कंप्लीट दैट होल सीरीज ओवरनाइट, बट या ओके। सो आई एम बैक होम, अच्छी खासी गुफ्तगू हुई वहाँ पर, अराउंड 30 to 45 मिनट हम लोग आराम से बैठे ही होंगे। अब आए सीधा घर शांति से बैठ के, थोड़ा
चिल एंड रिलैक्स करूँ अब मैं। ओके सो आज का व्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय व्लॉग टिल हियर। इफ यू एंजॉयड देन प्लीज लाइक, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकते हो, बाकी तो प्लीज सब्सक्राइब करो। एंड वन मोर थिंग, प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ कमेंट तो कर ही दो। एंड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, नाम मिस्टर व्लॉगर। सो मैं आप लोग से मिलूंगा होपफुली परसों सुबह 9 बजे। टिल देन गुड बाय, सामने दसवीं दामिया। और वैसे तो मैं आज बाल कटवाने वाला था लेकिन वो शिफ्ट कर दिया मैंने मंडे के ऊपर, मीन्स अगला व्लॉग होगा अच्छा खासा हेयर कटिंग का। सो या बाय।